पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए अनुराग यादव ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया गया। अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में कहा कि उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने उसे कोटा से पटना बुलाया था। बाद में कहा गया कि एग्जाम को लेकर सब सेटिंग हो चुका है। इसके बाद वह अनुराग को 4 मई की रात पटने के एक रेस्ट हाउस में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास लेकर पहुंचे। इन सभी लोगों ने नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया। इसके बाद रात भर उस पेपर को रटवाया गया। अनुराग ने बताया कि जब वह अगले दिन वह परीक्षा सेंटर पर पहुंचा तो दंग रह गया कि पूरा प्रश्न पत्र हूबहू वैसा था जो उसने रात में पढ़ा था। इसके बाद पुलिस ने अनुराग को गिरफ्तार कर लिया था। अनुराग के कबूलनामे से स्पष्ट हुआ कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। इसके बाद नीट पेपर लीक में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि गेस्ट हाउस की एंट्री रजिस्टर में जिस अनुराग यादव का नाम दर्ज है यह वही शख्स है। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी सचिव प्रीतम का करीबी बता चुके हैं। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि पेपर लीक मामले में आरोपियों का संबंध राजद के टॉप 3 लोगों से है। वहीं पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो का कहना है कि पड़ताल में सॉल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।